बड़ी सर्दी काफी है फ्रेंड्स, एक बिग सरप्राइज आप ओपन होने वाला है आपके सामने। मैं जो सुबह घर से निकल रही थी तो सुबह सुबह पोस्टमैन आया मेरे डोर पर, बेल दी तो मैंने झांका कि मेरी आज की लुक आफ्टर सो मेनी डेज आफ्टर रेनिंग द वेदर वाज सो कोल्ड फ्रेंड। और ये जो शॉल है ना, ये सर पे नहीं जाती और ये मैं इसके साथ ले नहीं रही हूँ। तो ये जो शर्ट है ना, देखें, ये मैंने रात को इसकी अल्ट्रेशन की थी। फ्रेंड्स, इस तरह के काम के आपको आते हैं। सफायर ब्रांड की ये शर्ट थी और इसकी स्लीव्स बहुत लंबी थी, मेरे हाथ को कवर कर लेती थी। तो मैंने इसको यहाँ से उधेड़ा, ये फोल्ड बैक है ना, ये फोल्ड बैक डिजाइन है, यहाँ पर ये स्ट्रिप है इसकी बटन की। तो मैंने इधर उसको उधेड़ के इसको पहले रफू किया, ये देखे अंदर से भी होना है, और फिर इसकी मैंने रफ हेमिंग की नीडल से, और इसके बाद मैंने इसकी स्टिचिंग की मशीन से। और अभी तक इसके बटन्स नहीं थे, ये देखिए यहाँ पर जो बटन्स लगने हैं ना, बटन तो नहीं थे, खाली ये जो थी ना इसकी बैंड थी यहाँ पर, ये के नीचे पट्टी थी बटन की। तो मैंने इसी पर ये घर में जो थे वो लिए थे, क्योंकि यहाँ पर अभी शॉप्स जो है ना हमारी सोसाइटी में सो फ्लरिश मार्केट अभी नहीं है, इट विल टेक टाइम। मैंने कर्टन्स हटा दिए हैं क्योंकि बाहर से अच्छी सी थोड़ी सी सनी सनशाइन आए जो आपके मूड को इनहांस करती है और आप में एक एनर्जी पैदा करती है टू कैरी ऑन द शेड्यूल ऑफ दैट डे। तो आज हमारा डे आउट का प्लान है, कहाँ कहाँ जाते हैं, मौसम की लुक दिखाते हैं। सनी मॉर्निंग में ड्राइव होगी, सुबह से 9 o'clock से ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ जब मेरी हेल्पर्स आ गई थी। तो साथ साथ चलिए, नहीं चलना तो ना चलिए, चलिए बाहर जाके देखते हैं। प्लीज, आपकी न्यू जैकेट माशाल्लाह से ब्रॉड से आई थी और फर्स्ट टाइम वेयर करें, जिप नीचे करें सर, इतना फाइन स्टफ है फ्रेंड्स हमारे यहाँ की चीजों में, अब्रॉड के स्टफ में जमीन आसमान का फर्क है। इज लुकिंग क्वाइट हैंडसम, सम का व्यू एंड माय प्लांट्स आर फीलिंग सो कोजी एंड हैप्पी दिस मॉर्निंग सनशाइन फ्रेंड्स। और बाहर का व्यू दिखाते हैं और ये बात इंडिकेट कर रही है ये सनशाइन का भी। ये देखिए इधर से व्यू देखिए और इस लेन का इस साइड से व्यू देखिए, जबरदस्त व्यू आ रहा है सनशाइन। सनशाइन की वजह से मैंने कोई कार्डिगन नहीं पहना, लेकिन ये मैंने पश्मीना की शॉल ले ली है। ये रिंग रोड के अंडर ब्रिज से जा रहे हैं हम लोग और सनी व्यू में बहुत अच्छा लग रहा है, कोजी फ्रेंड्स। इतनी स्नीजिंग होती थी, इतनी एलर्जी होती थी, मुझे तो ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती। और हम लोग हीटर सेकते रहे, इतना हीटर हमने सेका है, गैस का इतना बिल आया, माई गॉड। और ऐसी कोजी मॉर्निंग जो है ना आज बहुत अच्छी लग रही है, और अल्लाह ताला हमारे रमज़ान भी ऐसे ही ठंडे ठंडे रखेंगे। रहीम क्या कि हमने अपनी ड्राइव स्टार्ट की थी फ्रेंड्स, और अल्दी साहब जो है वो डेंटिस्ट के पास पहुंच चुके हैं। आज उनकी जो है ना लास्ट सेशन था और इसके बाद उनकी डेंटिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो अल्दी का डेंटिस्ट सेशन आज ओवर हो गया माशाल्लाह से, बड़े कॉस्मो इनकी वो हुई है फिक्सेशन, और इट कॉस्ट अबाउट 1 lakh के करीब खर्चा है फ्रेंड, लेकिन क्या करें, कराना पड़ता है, ये शेड्यूल्ड की ये सेशन थी फ्रेंड्स। जुमा का टाइम है और मैं अपनी सिस्टर के घर जाकर जुमा की नमाज पढ़ूंगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रेकर, ब्रेकर वर्ड्स हुई के सोसाइटी जो कि डिफेंस के करीब थी, और मैंने गूगल लगाया हुआ था बिकॉज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रूट। और थोड़ी देर में हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, आई विल ऑफर माई जुमा प्रेयर। हम एंटर हो चुके हैं, लेकिन जो घर वाले हैं दे हैव गॉन फॉर अपॉइंटमेंट, तो हमारी फ़ोन पर बात हुई है और यहाँ पर
अलवी साहब बैठे हुए हैं और ये मैं लाई थी इनके लिए ज़बरदस्त से बिस्किट बेकरी से, और हम लोग पानी पी कर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मेरी सिस्टर ने लॉ आ जाएंगी तो गपशप होगी। एक्सपीरियंस तो आपको कोई ये कह रही थी उधर हालात खराब हो जाए और हो जाए, आपका मसला बीच में पड़ा हो, हाँ दुकानें बंद हो जाए कोई और। दार यमी खाना खा कर तिके खाए, साग खाया और वो दही भल्ले थे। अब लोग वापस जा रहे हैं और घर के पास पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। व्यू स्टिल सनी एट 4 PM और हम मजे से सनी ड्राइव लेके वापस घर जा रहे थे, और आज आई एम फ्री इन द इवनिंग, माय स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। मैंने ऑफ खाना बहुत अच्छा था, हमने एंजॉय किया। टिपिकल सरसों का साग था, मक्की की रोटी थी, उनके शेफ ने बहुत अच्छी बनाई हुई थी। चाय पिए कि नू खाए और क्या खाया, चिकन टिक्का खाया। मिल के असल में मिल बैठने का एक बहाना होता है, हम जब किसी को मिलते हैं तो हमारी ट्रेडिशंस है कि हम खाना रखते हैं, चाय रखते हैं और मेहमान की खूब सारी एंटरटेनमेंट करते हैं, और ये हमारा कल्चर भी है और हमारी वो भी है, ट्रेडिशंस भी हैं इस्लामिक। तो अब आपको घर जा रहे हैं, आज मेरी कोचिंग क्लासेस नहीं है, मैंने स्टूडेंट्स को ऑफ दे दिया, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, उसमें भी एक मोटिवेशनल मैसेज है, तो वेट लेट मी रीच होम। फ्रेंड्स एक बिग सरप्राइज आप ओपन होने वाला है आपके सामने। मैं जो सुबह घर से निकल रही थी तो सुबह सुबह पोस्टमैन आया मेरे डोर पर, बेल दी, तो मैंने झांका कि मेरी हेल्पर को लेने आ गया होगा उसका हस्बैंड, लेकिन उसने मेरे हाथ में दो चीजें दी। अभी सरप्राइज देती हूँ, पहले अलवी साहब को सरप्राइज देते हैं और वही आपके आगे रिवील हो जाएगा कि वो क्या सरप्राइज था एंड व्हाट वी हैव बीन डूइंग विदाउट इट। ये बैठे हुए आप इनको दे रहे हैं सरप्राइज, ही टोटली डोंट नो, डज नॉट नो कि क्या हो रहा है, ही इज टोटली नॉट अवेयर। तो अलवी साहब आंखें बंद करें, पकड़े, गेस करें, गेस करें, आपको कार्ड है, कार्ड्स हैं, एटीएम तो इसका नहीं आता आपके हैं, खोले, फ्रेंड्स ये आपके सामने क्या चीज है, मैंने अभी खोला है और ये मेरा है और ये अलवी साहब, खोले खोले, अलवी साहब पढ़े हैं आपको, ये एक मेरा रोजायर है, दूसरा आपका होगा, कोई और तो फारूक अलवी नहीं है, मेरे पास सीजन भी नहीं है। खोले फ्रेंड, हुआ क्या था कि हम दोनों ही ड्राइवर्स हैं और हमारे लाइसेंस जो थे ना वो कहीं वॉलेट खो गया था अलवी साहब का, एक हमारा लगेज में ना, ये देखिए ये लाइसेंस आ चुके हैं, एक ऐप आ रही है लाइसेंस, ये एक ऐप है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले आपको टोकन पे नंबर देंगे और जिस तरह बैंक में होता है नंबर पे जाके आप अपनी उस पे फॉर्म फिल करेंगे, उनको डिटेल्स देंगे और आपके घर के एड्रेस पर ये आपके कार्स डिलीवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग मत कीजिए, हाईवेज पर कुछ भी हो सकता है। लाइसेंस की ऐप को रिफ्रेश करें, उसको डाउनलोड करें अपने ऐप स्टोर से और घर बैठे बैठे अपने लाइसेंस को रिन्यू करा दें विदाउट एक्सपायरी। तो एक्सपायरी से हम लोग गाड़ी चला रहे थे, ऐसा मत करें। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।